राम राम जीतू भैया, ये हमारे सरफराज भाई। नमस्कार जीतू भाई। देखिए जी, माशाल्लाह ये वो शौक है जो कल हमारी उड़ान थी, जो हमारी लास्ट परवाज थी टूर्नामेंट की, और माशाल्लाह ये बारिश पड़ने की वजह से ऐसा माहौल बन गया जिसकी वजह से हमें कबूतर बिठाने पड़ गए जी। 2 बजे के समथिंग कबूतर गिरा लिए हमने, कुछ कबूतर हमारे ये आसपास की जो छतें थी उन पर गिर गए, क्योंकि कबूतर इसी स्थिति में हो गए थे कि अपनी छत पर नहीं बैठ पाए, क्योंकि इसमें एक तूफान भी था और बारिश बहुत ही तेज़ बारिश थी जी माशाल्लाह। मगर ये है कि अब जो है ये पंछी हैं जो आपके सामने हैं, ये पंछी उड़े थे माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा शौक दिखाया, और इस बच्चे की छत पे ये पंछी तैयार हुए थे, और ये सब जीतू भाई की वजह से, और उस्ताद जो है वो जीतू भाई हैं इनके, उनकी वजह से ये शौक तैयार हुआ था। उन्होंने माशाल्लाह बहुत ही अच्छा शौक तैयार कराया जी, काबिल तारीफ शौक तैयार कराया, और जो भी शौक है ये आपके सामने है। 15 पंछी हमारे ये रहे। कुछ लोगों का तो जीतू भैया सब भाग ही गए, किसी के 8 आए घर, किसी के 5 आए, और किसी के 15 जिसके उड़ रहे थे ना, कि 10 के 10 ही भाग गए। क्यों सरफराज भाई, सही है बात गलत है? जी बिल्कुल ये बात सही रही, क्योंकि मौसम ऐसा हो गया था और उसकी वजह से कबूतर वापसी नहीं कर पाए, गांव छोड़ गए, कुछ लोगों के कबूतर इधर गिर गए, कुछ उधर गिर गए, मतलब ये है कि बस्ती भी छोड़ गए लोगों के कबूतर। और बहुत लोगों ने मतलब ये है कि बात भी बनाई कि यार अब इतने लंबे उड़ रहे थे, अब क्यों नहीं बैठ रहे हैं, पड़कों में तो कोई बिठा लेता। तो मैं उन लोगों के लिए ये कहना चाहूँगा कि ये बताइए आप, कोई भी या कोई भी उस्ताद या कोई भी शागिर्द इस मौसम में, इस भारी बारिश में या तूफान में कबूतर या शाम तक की परवाज या और बढ़ा के कैसे बिठा लेता? कोई भी नहीं बिठा सकता, मैं नहीं मानता कि बिठा सकता कोई भी उस्ताद होता या कोई भी शागिर्द होता इतने लंबी, या वो सोचता कि मैं शाम तक इस मौसम में बिठा लूँगा, नहीं। ये इस तरीके की घटिया बात बिल्कुल ना करें, और लोगों का शौक जो है प्रमोट करें, ऐसा ना लोगों का शौक दबाएं और उसको नीचे लेके जाए। ये कबूतरबाज जो हमारा कल रुक गया था, वो पट्टा वो दिखाइए जरा, वो कल जो आया है ताका पट्टा हमारा, जो एक दिन के बाद आया है, ये वो ताका पट्टा है जो आज सुबह पहुंचा, और वो भी कैंची आया जी। ये कैंची इस कबूतर ने वापसी की है माशाल्लाह, वापसी बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी वापसी रही जी। जो कल हमारे कबूतर उड़ रहे थे, ये 14 कबूतर हमारे उड़ रहे थे, इसमें से 15 कबूतर उड़े थे और एक कबूतर हमारा कैंसिल हो गया था, ये सब जीतू भाई की वजह से और इस बच्ची की वजह से। माशाल्लाह बहुत अच्छा शौक किया इन्होंने, और मैं मुझसे ही बहुत लोग खिलाफ थे, मैं हाजी सरफराज साहब की पार्टी से हूँ, आबिद खलीफा, मैं हाजी सरफराज साहब की पार्टी से, जो उनके खलीफा हैं आबिद खलीफा, उनका हाथ सिर के ऊपर रखा है माशाल्लाह, उन्हीं के थ्रू शौक करता हूँ जी, और इस बच्चे के साथ। राम राम जी तो भैया। नमस्कार जी, ये हमारे सरफराज भाई, हाँ ये हमारे साथ खड़े रहे, बाकी सब हट गए, पीछे हट गए, देखो माशाल्लाह जी, देखो इसी के साथ क्या अच्छा शौक अगर कहीं भी होगा तो माशाल्लाह हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। अगर हमसे कोई हमदर्दी रखने वाला इंसान है तो उसके साथ हम इसी तरीके से खड़े रहेंगे, अगर उसके अंदर इंसानियत है, अगर अच्छा इंसान है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। पर जी तो भैया देखो, एक चीज़ और हमने इस दिमाग में डाली है कि लोगों का कबूतर पेड़ों पर गिर गए, कहीं गिर गए, और ऊपर वाले की दुआ से, आपका आशीर्वाद से जी तो भैया हमारे 15 के 15 कबूतर घर लौट आए। एक कबूतर हमारा जो रुक गया था कल रात, वो आज सुबह कैच लौट आया, दिखाओ जरा पकड़ के सरफराज भाई, ताका पट्टा हमारा। देखिए जी, एक कैच रुकने के बाद में भी पंछी हमारा घर वापस आ गया जी। ये 3 परा कबूतर है, एक बाजू से 2 परा कबूतर है जी, ये ताका कबूतर है, ये देखिए, ये इसी पोजीशन में सुबह वापस आया जी, और माशाल्लाह 15 के 15 कबूतर वापस आ गए हमारे। और दूसरों के बारे में बताओ, उनके कबूतर कहाँ हैं? लोगों के कुछ कबूतर निकल गए हैं इसमें, कुछ अपना गांव छोड़ गए हैं, क्योंकि बारिश और तूफान बहुत तेज था इसमें। बस जी तो भैया, पूरे टूर्नामेंट में हमारे ही लौटे हैं, बाकी किसी के नहीं, अदर किसी के कबूतर नहीं आए हैं, जिसके रुक गए थे सब लापता हो गए। किस्मत की बात है थोड़ी, कि ये हो भी सकता है किसी के 1-2 के आ भी गए हों जो हमारी नॉलेज में ना हो, या हमारे पूरे किसी के नहीं आए हो, ऐसा हो भी सकता है। मगर ये है कि इसमें पंछी बहुत अच्छे उड़े जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा शौक हुआ, और ये तकरीबन 2 बजे तक कबूतर हमारे माशाल्लाह बहुत अच्छी चाल से चल रहे थे जी, 14 कबूतर इसमें। ये 15 के 15 का टूर्नामेंट था, इसमें एक पंछी हमारा 4.5 घंटे में बैठ गया था कैंसिल होकर, उसके कुछ वीकनेस की वजह से सूजन आ गई थी जी, उसमें थोड़ी सी हड्डी सूज गई थी उसकी, तो उसकी वजह से कबूतर हमारा कैंसिल में आ गया। और 14 के 14 कबूतर हमारे माशाल्लाह 14 कबूतर ये जीतू भाई के आशीर्वाद की वजह से, इस बच्चे की जिसके लिए तैयारी कराई है जीतू भाई ने, ये इनका शागिर्द है जी, माशाल्लाह बहुत अच्छा शौक कराया जी, काबिल तारीफ शौक कराया, कोई जवाब ही नहीं है जी इस चीज़ का।
ये उम्मीद पूरी पूरी थी जी कि जो कबूतर 14 कबूतर हमारे थे, ये तकरीबन मेरे हिसाब से 7, 7:30 या 8 बजे तक कबूतर अपने घर वापसी करते हैं। जैसे कि जी और माशाल्लाह पंछी भी ऐसे हैं जी, ये मुझे नहीं लगता कि वापसी ना करें किसी वजह से, मुझे कोई कमी ऐसी महसूस नहीं होती इन पंछियों के अंदर की वापसी इनकी अच्छी नहीं होगी। माशाल्लाह बहुत अच्छी वापसी के कबूतर हैं जी, और ये सारा ही शौक ये हमारे जीतू भाई के पास, इस बच्चे के पास में आया हुआ है जो इसके उस्ताद हैं, और इसको अच्छा शौक कराया जिन्होंने, जिन्होंने समझाया है। ये एक नया शौकीन था जी, ये सब कुछ हमारे जीतू भाई की वजह से, उनकी वजह से सीखा है, उन्हीं की वजह से एक उंगली पकड़ के खड़ा हुआ है, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा। राम राम जीतू भैया। नमस्कार जी। ये हमारे सरफराज भाई, ये हमारे हमारे साथ खड़े रहे, बाकी सब हट गए, पीछे हट गए। देखो माशाल्लाह जी, देखो इसी के साथ क्या अच्छा शौक अगर कहीं भी होगा तो माशाल्लाह हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। अगर हमसे कोई हमदर्दी रखने वाला इंसान है तो उसके साथ हम इसी तरीके से खड़े रहेंगे। अगर उसके अंदर इंसानियत है, अगर अच्छा इंसान है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होगी। पर जी तो भैया देखो, एक चीज़ और हमने इस दिमाग में डाली है कि लोगों का कबूतर पेड़ों पर गिर गए, कहीं गिर गए, और ऊपर वाले की दुआ से, आपके आशीर्वाद से जी तो भैया हमारे 15 के 15 कबूतर घर लौट आए। एक कबूतर हमारा जो रुक गया था कल रात, वो आज सुबह कैच लौट आया। दिखाओ जरा पकड़ के सरफराज भाई, ताका पट्टा हमारा। देखिए जी, कैच रुकने के बाद में भी पंछी हमारा घर वापस आ गया जी। ये 3 परा कबूतर है, एक बाजू से 2 परा कबूतर है जी। ये ताका कबूतर है, ये देखिए, ये इसी पोजीशन में सुबह वापस आया जी, और माशाल्लाह 15 के 15 कबूतर वापस आ गए हमारे। और दूसरों के बारे में बताओ, उनके कबूतर कहाँ हैं? लोगों के कुछ कबूतर निकल गए हैं इसमें, कुछ अपना गांव छोड़ गए हैं, क्योंकि बारिश और तूफान बहुत तेज था इसमें। बस जी तो भैया, पूरे टूर्नामेंट में हमारे ही लौटे हैं, बाकी किसी के नहीं, अदर किसी के कबूतर नहीं आए हैं, जिसके रुक गए थे सब लापता हो गए। किस्मत की बात है थोड़ी कि ये हो भी सकता है किसी के एक दो के आ भी गए हों जो हमारी नॉलेज में ना हो, या हमारे पूरे किसी के नहीं हो, ऐसा हो भी सकता है। मगर ये है कि इसमें पंछी बहुत अच्छे उड़े जी, माशाल्लाह बहुत अच्छा शौक हुआ, और ये तकरीबन 2 बजे तक कबूतर हमारे माशाल्लाह बहुत अच्छी चाल से चल रहे थे जी। 14 कबूतर इसमें, ये 15 के 15 का टूर्नामेंट था, इसमें एक पंछी हमारा 4.5 घंटे में बैठ गया था कैंसिल होकर, उसके कुछ वीकनेस की वजह से सूजन आ गई थी जी, उसमें थोड़ी सी हड्डी सूज गई थी उसकी, तो उसकी वजह से कबूतर हमारा कैंसिल में आ गया। और 14 के 14 कबूतर हमारे माशाल्लाह 14 कबूतर ये जीतू भाई के आशीर्वाद की वजह से, इस बच्चे की जिसके लिए तैयारी कराई है जीतू भाई ने, ये इनका शागिर्द है जी, माशाल्लाह बहुत अच्छा शौक कराया जी, काबिले तारीफ शौक कराया, कोई जवाब ही नहीं है जी इस चीज़ का। ये उम्मीद पूरी पूरी थी जी कि जो कबूतर 14 कबूतर हमारे थे, ये तकरीबन मेरे हिसाब से 7, 7:30 या 8 बजे तक कबूतर अपने घर वापसी करते हैं। जैसे कि जीतू भाई, माशाल्लाह पंछी भी ऐसे हैं जी, ये मुझे नहीं लगता कि वापसी ना करें किसी वजह से, मुझे कोई कमी ऐसी महसूस नहीं होती इन पंछियों के अंदर की वापसी इनकी अच्छी नहीं होगी। माशाल्लाह बहुत अच्छी वापसी के कबूतर हैं जी, और ये सारा ही शौक ये हमारे जीतू भाई के पास, इस बच्चे के पास में आया हुआ है जो इसके उस्ताद हैं, और इसको अच्छा शौक कराया जिन्होंने, जिन्होंने समझाया है। ये एक नया शौकीन था जी, ये सब कुछ हमारे जीतू भाई की वजह से, उनकी वजह से सीखा है, उन्हीं की वजह से एक उंगली पकड़ के खड़ा हुआ है, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा। कि आपने मुझसे बताया था कि किसी कबूतरबाज को लड़ाई से नहीं मारना, अपने छत पे से कबूतर उड़ा के दिखाने हैं और कबूतरों से ही मारना है, और वही काम मैंने किया। और सरफराज भाई, ये बात बता दो कि पूरी कोतवाली का रिकॉर्ड मैंने फड़कों में तोड़ दिया या नहीं तोड़ दिया? नहीं माशाल्लाह जी, देखो हमारे गांव के अंदर ये हम खुद कहेंगे, हम भी यहीं पर रहने वाले, यहाँ के रहने वाले, माशाल्लाह जी ये 42 टेम्परेचर में बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड इन कबूतरों ने बनाया, यानी कि ये 21 कबूतर हमारे माशाल्लाह जी 157 घंटे 30 मिनट लेके बैठे थे जी, माशाल्लाह फड़कों में ये रिजल्ट था इन कबूतरों का। और लोगों ने देखिए, आप देखिए कि किस तरीके की बात करते हैं लोग, मेरा इसके साथ में रहना भी लोगों को, मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जिनको तकलीफ महसूस हुई कि यार ये इसके साथ में क्यों, यार मैं क्यों नहीं खड़ा होने का, अगर इंसान सही है, खेल सही है, अच्छा शौक कर रहा है, तो मेरा उसके साथ में रहना कोई जुल्म या कोई गलती तो नहीं है, या मुझे कोई इससे लालच नहीं है। देखिए मुझे कोई इससे ये नहीं कि मुझे कोई पंछी लेके जाने हैं या मुझे कोई उस्तादी इससे सीखनी है, माशाल्लाह मेरे सिर पे जो साया है वो आबिद खलीफा जो पार्टी हाजी सरफराज साहब की है, मैं उन्हीं का शागिर्द हूँ और उन्हीं का तरीक़ेकार पे मैं चलता हूँ जी। माशाल्लाह वो भी बहुत अच्छे लेवल के, बहुत ही अच्छे उस्ताद माने जाते हैं जी हमारी नज़र में, तो हम उनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं, इज्जत भी करते हैं जी। और माशाल्लाह जी, जीतू भाई की वजह से आज इस छत पे भी बहुत अच्छा, माशाल्लाह बहुत अच्छा शौक हुआ जी।
काबिले तारीफ शौक हुआ, कोई भी अपने दिमाग से ये बात निकाल दे कि ये इस तरीके का हुआ है उस तरीके का, हम नहीं मानते। माशाल्लाह आगे भी इसी तरीके से ये शौक देखने को मिलेगा आपको इंशाल्लाह, बहुत अच्छा, इससे भी अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा इंशाल्लाह। कबूतर दिखा दो सारे, ये वो 16 कबूतर थे जिसमें 15 कबूतर हमारे उड़े थे और एक कबूतर हमारा जो एक्स्ट्रा में था वो हमने रोक लिया था जी। बस जी, तो भैया उन लोगों के लिए ऐसे मैसेज डालना चाहते हैं हम जो हमारे मुखालिफ है और जो इस बात में सोच रहे हैं कि उनके पंछी ऐसे थे, ऐसे क्यों बैठ गए। ठीक है जी, अब हम आप लोगों से विदाई लेना चाहते हैं, आप सब से, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, जो जीतू भाई के व्यूअर्स हैं इस चीज़ को देख रहे हैं, तो देखिए आप, ये शौक है माशाल्लाह बहुत अच्छा शौक, ये जीतू भाई की वजह से ही हुआ है, ये किसी और की वजह से नहीं है, ये इन्हीं का शागिर्द है जीतू भाई का और इन्हीं का शागिर्द रहेगा भी जी, मुझे इससे ये यकीन भी है कि ये इन्हीं का शागिर्द रहेगा और माशाल्लाह शौक इसी तरीके से करता रहेगा, बढ़िया शौक हुआ जी छत से। ठीक है जी, नमस्कार, राम राम जी। तो भैया हाँ बारिश पड़ गई थी जी, तो भाई देखो सारे कबूतर बेकार हो गए, एक धावड़ी भीग गई, अंदर तक बारिश, सब कबूतर भीग गए, सब कबूतर आउट बैठ गए, 7 कबूतर आउट बैठे, 7 कबूतर घर बैठे, भैया सब भीग गए, सब कबूतर बेकार हो गए, कोई इधर गिर गया कोई उधर गिर गया, बारिश बहुत तेज हो गई थी।